Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SBI क्लर्क के बेस्ट बुक्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में SBI क्लर्क के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी, कौन सी बुक्स इनफ है जो पढ़ के आप आसानी से SBI क्लर्क का एग्जाम क्लियर करके क्रैक कर पाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी गाइस मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था SBI क्लर्क के ऊपर, जिसमें हमने फुल कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी, लाइक उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया। सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है SBI क्लर्क की बेस्ट प्रिपरेशन बुक्स के ऊपर भी एक जो अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए था, तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो जो है गाइस मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। उसी के साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैं बुक्स बता रहा हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और भी कई सारे रिसर्च की गई है उसी के ऊपर, मीन्स कई सारे जो इंटरव्यू टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज देखे गए हैं, SBI क्लर्क की जो फैकल्टीज है उनके थ्रू रिकमेंड, यानी कि काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद आप लोगों के सामने जो ये बुक्स है वो बुक्स मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पे गाइस जो मैं बुक्स बताने वाला हूँ, हर एक सेक्शन के लिए एक या मैक्स टू मैक्स दो बुक बताने वाला हूँ, आपको हर एक सेक्शन के लिए 10 से 15 बुक नहीं बताने वाला, क्योंकि गाइस ये आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि हर एक सेक्शन के लिए 10 से 12 बुक्स पढ़ना जो पॉसिबल नहीं है, चाहे कितने भी अच्छे पढ़ाई में हो, चाहे कितने भी आप टॉपर्स हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, हर एक सेक्शन के लिए 10 to 15 या 12 बुक्स रिफर करना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस यहाँ पे जो बुक्स है मैं यहाँ पे आपको कुछ दो पार्ट्स में बताने वाला हूँ, एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम की थोड़ी कमी है और उन्हें SBI क्लर्क को क्रैक करना है, क्लियर करना है, और एक इन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास जो टाइम है थोड़ा और वो अच्छी तरह से प्रिपेयर के और ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनके पास टाइम का थोड़ा इशू है, टाइम की कमी है। सबसे पहले जो उन्हें बुक रेफर करनी है वो होगी SBI क्लर्क गाइड बाय दिशा एक्सपर्ट। दिशा एक्सपर्ट के थ्रू जो SBI क्लर्क गाइड है वो उन्हें रेफर करनी है। उस एक पर्टिकुलर बुक में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है हर एक सेक्शन का जो है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से हर एक सेक्शन कवर कर पाएंगे। लेकिन उसी के साथ एक और बुक कंपलसरी आप लोगों को बाय करना जरूरी है, SBI पास सॉल्व ईयर सॉल्व पेपर्स बाय अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत के द्वारा जो है SBI पास सॉल्व पेपर्स की एक बुक है, वो आपको बाय करना जरूरी है, क्योंकि गाइस जो आप गाइड करेंगे गाइड के साथ साथ आप लोगों को ये सॉल्व पेपर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग जो फैमिलियर हो पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए थे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी के साथ गाइस एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो भी बुक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस सारी के सारी बुक्स की लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली अमेजोन से सारी के सारी बुक्स जो है वो बाई कर सकते हैं। आपको सिंपली जो है बुक का नाम याद रख के गूगल पे आके सर्च करके जो है ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भी मेहनत हमने आप लोगों की कम कर दी है, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से हर एक बुक जो है बाय कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के जिनके पास थोड़ा टाइम है और वो हर एक सेक्शन के लिए जो इंडिविजुअली प्रिपेयर होना चाहते हैं, लाइक जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गाइस SBI क्लर्क का जो पैटर्न है वो मीन्स 5 सेक्शन है उसमें टोटल, तो पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बात करेंगे तो उसके लिए मैं आपको दो बुक्स बताऊंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल सर की एक बुक है और सेकेंड बुक जो है वो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा। अगर गाइस आप ये दो बुक प्रीफर करते हैं तो आप जो ये दो बुक अगर पूरी तरह से जो है कर लेते हैं तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से कवर हो जाएगा। सेकेंड सेक्शन रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो वहाँ के लिए उसके लिए मैं आपको मीन्स रिकमेंड करूँगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, इसमें आपकी जो है पूरा जो रीजनिंग का सेक्शन आसानी से जो है कवर हो जाएगा। थर्ड सेक्शन इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इसके लिए जो मैं आप लोगों को दो बुक्स रिफर करना चाहूँगा गाइस, एक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस के थ्रू, ये नॉर्मन लुईस थ्रू के जो है पब्लिश की गई है, वो बुक मैं एक रिकमेंड करना चाहूँगा। सेकेंड जो बुक है वो है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी। सो गाइस SP बख्शी सर के थ्रू जो है ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो बुक है वो लिखी गई है, ये दोनों बुक करने से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो पर्टिकुलर सेक्शन है पूरी तरह से जो है कवर हो जाएगा और आप आसानी से वो सेक्शन जो है क्लियर कर पाएंगे। अब आते हैं फोर्थ सेक्शन पे जनरल अवेयरनेस, तो गाइस इसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस बाय दिशा एक्सपर्ट ये रिकमेंड मैं करूंगा आप लोगों के लिए। और गाइस मैं अगेन बता दूं जो भी बुक्स मैं बता रहा हूँ अगर आप उसमें से कोई भी बुक बाय करना चाहते हैं तो हर एक बुक की इंडिविजुअल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली अच्छे खासे डिस्काउंट पे अमेजोन से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अब लास्ट जो है गाइस कंप्यूटर अवेयरनेस, तो गाइस कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के लिए मैं आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड बाय अरिहंत ये बताना चाहूंगा, इससे जो है आप आसानी से आपका जो है ये बुक के थ्रू आसानी से आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का जो पूरा सेक्शन है आसानी से पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे मैंने आपको हर एक इंडिविजुअली जो सेक्शन के लिए अलग अलग बुक बता दी है, लेकिन
गैस आपको एक और बुक रेफर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, SBI पास सॉल्व पेपर बाय अरिहंत। ये बुक जो है आप लोगों को भी जो है रेफर करना है। आप लोगों को भी जो लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स है वो आपको इस बुक में सॉल्व पेपर्स भी मिल जाएंगे, साथ में तो आपको पूरे के पूरे पेपर प्रैक्टिस करने होंगे, ताकि गैस आप लोगों को आइडिया मिल पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है, और आप जो फेमिलियर हो पाएंगे क्वेश्चन से। और जब तक गाइस सॉल्वर्स पेपर सॉल्व ना करो तब तक वो एग्जामिनेशन वाली फीलिंग नहीं आती है, राइट? तो इसीलिए आप लोगों का ये सॉल्व करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गाइस अगर जो बुक्स मैंने बताई आपको सिर्फ यही बुक्स रिफ़र करनी है, ये बुक्स रिफ़र करके आप आसानी से SBI क्लर्क को अच्छे मार्क्स से, अच्छे खासे मार्क्स से आप जो इसे क्रैक कर पाएंगे। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ भी डाउट है, SBI क्लर्क के रिगार्डिंग और कुछ भी डिटेल्स चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जो कि स्पेशली SBI क्लर्क के स्टूडेंट्स के लिए जो क्रिएट की गई है। तो वहाँ पे आपको जो भी डाउट है वहाँ पे पूछ सकते हैं, जरूर आपकी मदद करने की हम यहाँ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगेन मैं आपको बता दूँ, जो भी बुक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।